समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किए जाने को लेकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन रायबरेली के जिला अधिकारी को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने सौंपा। हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र ने बताया कि समाजवादी पार्टी जब भी सरकार आती है तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करती है और वहीं 27% आरक्षण भी देती है। ऐसे में अगर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पे आंदोलन करेगी। ये 7 की डेस्क रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे साथ समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गिरिजा शंकर लोधी और बबलू भी हैं। आज देखिए समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, इसको लेकर के हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने जिलाधिकारी के माध्यम से आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। मंडल आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग का गठन हुआ था और मंडल आयोग ने बड़ी मेहनत से और तमाम मंडल आयोग की सिफारिशें उन्होंने दी कि सरकार से लागू किया जाए, लेकिन समाजवादी नेताओं ने जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें आई, समाजवादी पार्टी की सरकारों ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने वो पिछड़ों का 27% का हक खा रही है और पिछड़ों को उपेक्षित कर रही है और वो आरक्षण समाप्त कर दिया। आज नीट जैसी परीक्षा में 10,000 पिछड़े वर्ग के लोगों का नुकसान हुआ है, 10,000 सीटें पिछड़े वर्ग की इन्होंने बेईमानी कर ली है और जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। तो हमारी आज मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए, पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाए, लिटरल एंट्री बंद हो, जो भी निजी संस्थान है उनमें भी पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए और जो पिछड़ों का 1,00,000 बचा हुआ है, जहाँ पिछड़ों का होना चाहिए था, जहाँ पिछड़ों की नियुक्ति होनी चाहिए थी और उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, और भी तमाम शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण उन्हें नहीं मिला है, वो आरक्षण का 1,00,000 भी पिछड़ों को दिया जाए। अभी मांगे नहीं होंगी पूरी, आगे क्या करें? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और समाजवादी पार्टी पिछड़ों के पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए कृत संकल्पित है और हम लोग उन्हें पिछड़ों का हक दिला करके ही रहेंगे। हाँ, बता दिया मैंने। मेरा नाम गिरिजा शंकर बबलू लोधी है, मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा और पोस्ट रायबरेली जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर, हमारे समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय राजमार कश्यप जी के निर्देश पर, अध्यक्ष जी के सहयोग से उनके साथ में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मंडल कमीशन की जो समस्त सिफारिशें हैं, रिपोर्ट है, उसको लागू किया जाए। उनका हक और अधिकार पिछड़ों का आज तक हम लोगों को नहीं दिया गया है, उसके लिए हम समाजवादी लोग आंदोलित हैं। आज डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, राज्यपाल जी को संबोधित है, उनको देना है।